नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फिरोजाबाद में जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में शराब माफिया सुखबे सिंह यादव की 1 करोड़ संपत्ति जब्त की गई। गांव में ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी कराई गई। तीन अचल संपत्ति, 3 वाहन भी कुर्क किए गए। 3 महापूर्व थाना खैरगढ़ इलाके में जहरीली शराब के सेवन से 3 लोगों की मौत हुई थी, उसमें मुख्य आरोपी सुखबीर भी था। सीओ शिकोहाबाद बलदेव खनेड़ा के नेतृत्व में बिदरका गांव की संपत्ति कुर्क कर सील कर दी गई। ये जनपद फिरोजाबाद का शिकोहाबाद इलाका है, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ का एक बहुत ही कुख्यात शराब माफिया सुखबीर यादव, जिसके गैंग में कुल 11 बड़े अपराधी हैं, 11 बड़े अपराधियों वाला ये सुखबीर यादव जो माफिया है शराब का, ये पिछले कुछ सालों से लगातार शराब में मिलावट करके आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसको कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। इसके पूरे 11 लोगों के का जो इसका गैंग था, सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और आज इसके 14(1) के तहत इसकी संपत्तियों को हमने जब्त करने का कार्य किया है। अभी आप देख रहे हैं कि इसके 3 बड़े प्लॉट्स हैं और 3 वाहन हैं, जिसको हमने प्रशासन के पक्ष में जब्त कर लिया है। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। मथुरा गिरिराज दलहटी गोवर्धन के राधा कुंड में चोरों के हौसले बुलंद है। राधा श्याम कुंड के घाटों पर लगातार 1 हफ्ते से चोरी की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे स्थानीय लोगों व पंडा समाज में आक्रोश व्याप्त है। दूर दराज से राधा रानी संगम कुंड पर स्नान आचमन करने आने वाले श्रद्धालुओं के बैग, नकदी, मोबाइल, जरूरी कागजात के साथ आदि सामान चोरी हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे रह जाती है। गोवर्धन में राधा कुंड एक ऐसा कुंड है जहां देश विदेश से श्रद्धालु भक्त संतान प्राप्ति, सुख शांति, समृद्धि के लिए स्नान आचमन व दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके साथ जब चोरी की घटना होती है तो निराश होकर लौटना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को देखने को मिला है। अलीपुरद्वार सिलीगुड़ी से करीब 10 लोग ब्रज भ्रमण पर मथुरा। बुधवार सुबह 5 लोगों का जत्था परिवार सहित राधा रानी संगम कुंड पर पहुंचा। यहां उन्होंने राधा रानी कुंड में स्नान करने के लिए कपड़े उतारे और स्नान करने कुंड में डुबकी लगाने लगे। तभी चोरों ने नजर बचाते हुए चोरी की घटना को अंजाम देकर चले गए। अलीपुरद्वार सिलीगुड़ी से आए विराज राय, पुत्र विजय राय, सत्येंद्र देवनाथ व सपना राय ने जब बैग को देखा तो बैग में रखे जरूरी सामान सहित 5,000 नकदी चोरी हो गए थे। घटना की सूचना राधाकुंड चौकी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाली, जिसमें 3 लोगों को चोरी करते देखा गया। पुलिस जाँच में जुट गई है। घटना की जानकारी देते हुए विराज राय श्रद्धालु ने बताया कि वही स्थानीय निवासी राजू पापा ने बताया कि राधा रानी कुंड पर लगातार 1 हफ्ते से चोरी हो रही है। अभी किसी चोरी की घटना का खुलासा नहीं हुआ है। आए दिन श्रद्धालु के बैग, मोबाइल, नकदी, पर्स व जरूरी कागजात के साथ अन्य सामान चोरी हो रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कब तक चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। यहाँ कपड़ा लग के स्नान करते हैं, वो लोगों की कैसे चोरी होती है। अब तक कभी मोबाइल उठ रहा है, कभी किसी का साया उठ रहा है, मगर किसी का मालूम ही नहीं पड़ रहा है अब तक ये कौन लेके जा रहा है। हम लोग आपस में यहाँ बदनाम होते हैं घाटवासी। ये आज 5-6 दिन से बराबर चोरी हो रही है। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में लोक भवानी सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा आज पालीवाल हॉल में बेटी बचाओ जन जागृति पुरस्कार का तृतीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महिला जिला चिकित्सालय की CMS सावधा राठौड़ ने कहा कि लोक भवानी सेवा संस्था द्वारा बेटी जन जागृति पुरस्कार का आयोजन करके एक अच्छा कार्य किया है। इससे निश्चित ही गई थी पैदा होने वाले परिवार में यह संदेश जाएगा कि बेटी पैदा होने पर भी हमें मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा और बेटियां समाज के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। बेटी को जन्म देने वाली माता को हौसला और गौरव पुरस्कार होगा। संस्था के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमारी संस्था का सबसे सहयोग से तृतीय बेटी जन्म जागृति पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य जन्म लेने वाली बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना तथा उनकी माताओं को सम्मानित करने, उनमें विश्वास पैदा करना है कि बेटी को जन्म देकर अपने अच्छा कार्य किया है।
संस्था के महासचिव रामनिवास यादव ने कहा कि हमारी संस्था इस तरह की आयोजन और प्रयास तब तक करती रहेगी जब तक कि बेटी पैदा होने पर उन परिवारों में बेटा पैदा होने जैसे आयोजन आयोजित होगा। संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मयंक भटनागर, विधि सलाहकार नितेश अग्रवाल, आगरा मंडल प्रभारी नंदिनी यादव, प्रदेश प्रभारी ब्रजेश यादव, यादव महासभा जिला अध्यक्ष राहुल यादव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज, यस बाबा के ग्रुप के एमडी योगेंद्र यादव फिरोजाबाद, सेवा समिति के असलम भूला, जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला, दिनेश यादव ने विचार व्यक्त कर बेटियों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सहयोग करने को कहा। कार्यक्रम में मीनाक्षी मिश्रा, अनिता पांडे, इलेक्शन में कोतवाल शिवानी, कुमारी पूजा, मनोरमा देवी, दाताराम यादव, संदीप कुमार, यूनिसेफ डॉक्टर बी एस गौतम, डॉक्टर प्रमोद यादव, गौरव यादव, राम प्रसाद, अखिलेश कठेरिया, जयंती प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे। अध्यक्षता देवी यादव ने की और संचालन डॉक्टर प्रमोद यादव ने किया। देखिए, जैसे हम एक लक्ष्मी पूजन करते हैं, आज उसी तरीके का एक कार्यक्रम है जहाँ लक्ष्मी का जन्म हो उसको सफल बनाना, इस कार्यक्रम का एक माध्यम है। इस माध्यम के थ्रू ये लोक भवानी सेवा संस्थान जिस जिस घर में एक कन्या का जन्म हुआ उसको खोज कर उन्हें पुरस्कार करके गौरवान्वित करते हैं और प्रेरित करते हैं कि समाज के अंदर एक बालिका का जन्म अभिशाप नहीं है। ये एक बहुत अच्छी प्रथा है जो बहुत पौराणिक, जो हमारी संस्कृति है पुरुष प्रधान जो संस्कृति थी उसको तोड़ने का, उसको दमन करने का ये हमारा एक प्रयास है। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद संभागीय परिवहन विभाग द्वारा नारी मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत आज एआरटीओ कार्यालय परिसर में दाऊदयाल महिला पीजी कॉलेज के सैकड़ों छात्राओं ने जागरूकता अभियान में भाग लिया, जिसमें छात्राओं को महिला सशक्तिकरण की जानकारी के साथ साथ सभी छात्राओं को यातायात के नियमों से भी परिचित कराया गया। साथ ही साथ सभी छात्राओं को यातायात के नियमों से भी परिचित कराया गया। जागरूकता अभियान में ज्यादा से ज्यादा छात्राओं ने अपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन ऑनलाइन भी करा है। इस मौके पर आरटीओ ललित कुमार व आरआई टेक्निकल हरिओम सिंह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से महिला सशक्तिकरण का जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि 26 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक चलना है और इसमें आज के दिन हम लोगों को जो गाइडलाइन मिली थी उसमें जो है महिलाओं का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कैंप लगा करके उनको आवेदन कराने में मदद करना था तो उसी के तहत हम लोगों ने जो है बुलवा करके जो है इनका एप्लीकेशन भरवा रहे हैं, इनकी पूरी मदद कर रहे हैं, इनसे शुल्क जो निर्धारित है वही लिया जा रहा है जिससे इनको सहायता मिले, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज के प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।